भर की तरह मर्दान की तहसील रुस्तम में भी ईद उल अजहा आमद के मौके पर मवेशी मंडी सज गई है। महंगाई से गाहक और व्यापारी परेशान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उमेर खाकसार से। जी उमेर, की तरह मर्दान की तहसील रुस्तम में भी ईद उल अजहा के आमद के मौका पर बाईपास में मवेशी मंडी लगा हुआ है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जानवरों की खरीद और फरोख्त जारी है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के एक शहरी मौजूद थे, इनसे जानते हैं कि वो मवेशी मेला के हवाले से क्या कहते हैं। जी मवेशी मंडी तो बहुत ज़्यादा महंगी है आजकल, ताकि गरीब के हाथ से पहुँच से बहुत दूर है जानवर। 20-30 हज़ार रुपया महंगा हो गया एक एक जानवर। ये छोटा जानवर की बात कर रहा हूँ, और बेचने वाला भी परेशान है और ख़रीदने वाले भी परेशान है। और अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे और हमें कुर्बानी अच्छी सी मिले, ताकि हम सुबह से आएँ, कल भी आए थे, आज भी आए हैं, और बच्चे सारे इंतज़ार में कब जानवर आएगा। खुशी होती है बच्चों को सब ईद के, लेकिन इधर इतना महंगाई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जी बिल्कुल, जैसे आपने शहरी के बात सुनी, इनका कहना है कि कमर तोड़ महंगाई की वजह से अमसाल जानवरों की कीमत में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मवेशी मेला में आवाम का रश ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। जी दीगर खबरों से आपको आगाह करें, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने वफाक